बहुत बड़े मुफ्ती है जामे निज़ामिया के, उनके हाथों से फाउंडेशन डाला गया। हमारे बहुत से सियासी कायदे भी मौजूद थे, जिसमें ख़ास तौर से हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब, बलाला साहब भी थे, और हमारे भी बहुत से लीडर्स यहाँ मौजूद थे, जिसमें हमारे सलीम साहब, हमारे बगबोर्ड के चेयरमैन साहब, हमारे माइनॉरिटी प्रेसिडेंट साहब मुजीब साहब, और बहुत से हमारे टीआरएस के कायदे भी आए थे। हमारे सीएम साहब का एक ही मकसद था, मस्जिदें अच्छी बनना चाहिए, और दोनों मस्जिदों के लिए 2,95,00,000 रुपये का बजट सैंक्शन किया गया है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक हफ्ते में काम शुरू किया जाएगा। और मस्जिदें बहुत अच्छी बनाई, ये मस्जिदें सीएम साहब का इरादा ये था, जिस तरह हम सेक्रेटरीट अच्छी बना रहे हैं, मस्जिद भी उसी तरीके से होना चाहिए। लोग ख़ास तौर से मस्जिद देखने भी आना चाहिए, मस्जिद में इबादत कर रहे हैं। और इसमें ख़ास बात यह रही, साबिका में जो सेक्रेटरीट की मस्जिद थी, सेक्रेटरीट के कंपाउंड वॉल के अंदर थी, तो उसमें होता ये था कि लोगों को आने के लिए मुश्किल होते थे, पर ये जो है बिल्कुल लबे सड़क आ रही है। और सीएम साहब का भी इरादा यही था कि, और हमारे उलमाओं का भी है, जिस जगह मस्जिद है वहीं बनना चाहिए, जहाँ पर दो तक कंप्लीट होंगी साहब, तो एक साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। एक वायदा है हमारा भी, सीएम साहब का भी, सेक्रेटरीट का इफ्तिताह से पहले मस्जिदों में अजान गूंजना चाहिए, मंदिर में घंटे बजना चाहिए। ये तेलंगाना एक सेकुलर तेलंगाना है, और इस तेलंगाना के सेकुलर तेलंगाना के हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब भी एक बहुत बड़े सेकुलर है, और वो अमली तरीके से जो भी काम करते हैं सारे प्रोग्राम हुआ। कोपुला ईश्वर साहब गैर हाजिर रहे, साहब नहीं है उन्होंने यहाँ पर, तो क्या कर सकते हैं। इलेक्शन हमारे पास आप जानते हैं, एमएलसी का इलेक्शन का अपने एरिया में काम कर रहे हूँ, और यहाँ पर हमारे माइनॉरिटी कायदे भी होते हैं, के लोकल एमएलए भी मौजूद थे। आपके अलावा केसीआर खानदान से भी कोई जो है यहाँ पे अवेलेबल है? बताया ना, ये इलेक्शन की वजह से एमएलसी इलेक्शन आप जान रहे हैं, कल या परसों, कल ही तक तो नामिनेशन डालते रहे हमारे कैंडिडेट को, जहाँ पर वोटिंग के कैंडिडेट है उन्हीं के साथ लगे हुए वो लोग, क्योंकि सर इधर मीडिया को परमिशन क्यों नहीं दी अंदर आने को? तामीर के लिए 1 करोड़ रुपये अकाउंट में जा चुके हैं, अभी 2 करोड़ रुपये जरूर जाएंगे, पर तामीर 1 हफ्ते के अंदर ही इंशाल्लाह आर्मी डिपार्टमेंट के तहत टेंडर से दिया जाएगा, जो भी मुस्तैक होगा उसे जो देख के काम दिया जाएगा, क्योंकि मस्जिद का काम है एक सिस्टमेटिक काम होना पड़ता, उससे जो सब लोग माहिर है उन्हीं को इस्तेमाल किया जाएगा, उन्हीं के साथ काम किया। तो दोनों मस्जिद बन रही है या एक मस्जिद बन रही है? लेने वाले भी कैमरे में आ जाएंगे, ये सब गलत बात है। एक देखिए, आप देख लीजिए, मस्जिद हाशमी का दीवार बहुत लिखा हुआ है आज से 50 साल पुराना, इसीलिए 1500 गज जगह दी गई, नहीं तो अगर दोनों मस्जिदें अलग अलग बनाते तो 700 गज के थे, अलग अलग बना देते थे। तो अभी एक ही मस्जिद तामीर हो, ये दो मस्जिद तामीर हो रहे, दो मस्जिदें थी, दोनों मस्जिदें तामीर हुए, और जो साबिका जगह है उसी जगह के लिए काफ़ी मुश्किल से उस जगह को सेव करना पड़ा, उसी जगह पर आपको मस्जिद का इफ्तिताह मुफ्ती।